नाइस, तुम ऑर्डर करो मैं आता हूँ। क्या सोच रही हो, ऑर्डर कर दिया? एक्सक्यूज मी, बेसात अंकल तुम्हारी शादी के लिए सीरियस है। तो क्या हो गया यार, फिक्र ना करो, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा बाबा, मैं बात करता हूँ बाबा से, आई प्रॉमिस। तुम टेंशन ना लो। सारे लोग क्या कर रहे हैं आप? सब लोग देख रहे हैं। तो देखें तो सब। सब जेलस हो रहे होंगे, कितना खूबसूरत कपल बना है। लेकिन अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब अच्छा नहीं लगता? इसके साथ सारी जिंदगी गुजार रही है, हाथ पकड़ना अजीब लग रहा है। तो हमेशा इस तरह क्यों नहीं रहती जैसे अभी हो? प्यार हुई काफी बेहतर लगी पहले से। एक्चुअली बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है। क्या वो यहाँ पे भी हैं? हर वक्त तुम्हारे आसपास तो नहीं होते। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ना तुम्हें मूवीज का शौक है, ना तुम्हें म्यूजिक का शौक है, ना तैयार रहने का शौक है। मुझसे शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। मुझे मूवीज देखने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है। तुम इतना तैयार होगी तो तुम्हें देखने का शौक होगा और तुम्हारा हाथ थाम कर घूमने का शौक भी होगा। सारे हम क्या कर रहे हैं, अभी सब लोग देख रहे हैं। तो देखो तो सबको क्या फर्क पड़ता है। छोड़े तो ये क्या है, मजाक कर रही हो? ये मजाक है? अब तुम्हें लोगों की फिक्र नहीं हो रही? सारे आई एम सॉरी। सारे मैंने बताया तो है आपको, मुझसे पूछ कर गई थी, मैंने इजाजत दी है इसे। किस खुशी में, आखिर क्यों, जरूरत क्या थी? सारिम ने रिक्वेस्ट की और मुझे कोई ऐसी बुरी बात लगी भी नहीं। आखिर को शादी होने वाली है इन दोनों की। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं ना, कल किसने देखी है? आपको कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की आपने। बाबा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। तुम अपने कमरे में जाओ और आइंदा ऐसी बेहूदगी हुई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इज दैट क्लियर? आप इनाया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती मैं नहीं, आप जैसी बेवकूफ माएं करती हैं। मैं पूछता हूं क्या तुक थी अकेले सारिम के साथ भेजने की? आइंदा अगर मेरे घर में ऐसी कोई हरकत हुई ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, समझिए आप। मुझे तो लगता है कि एजाज ने तुम्हारी शादी नहीं होने देनी। हद होती है, मैं तो यकीन नहीं कर सकती वहां भी पहुंच गया। वैसे आज के लंच के बाद मेरा दिल भी यही कर रहा है कि शादी ना ही हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरी समझ से बाहर है नाया, पता नहीं किस दुनिया में जिंदगी गुजारी है उसने। तो कुछ पता तो चले ना कि हुआ क्या है। होना क्या है, आखिर सख्त बोर किया उसने, ना उसे किसी चीज में इंटरेस्ट है, और ऐसे सहमी भी बैठी हुई थी जैसे पता नहीं खा जाऊंगा मैं उसे। कोई नहीं कोई नहीं, ऐसी लड़कियां शादी के बाद आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं, उन्हें सिखाना समझाना आसान होता है। पता नहीं सीखेगी या मुझे भी सब कुछ भुला देगी। अच्छा अब इतना जजमेंटल होने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, या तो तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है ताकि मैं उसे समझाऊं। नहीं नहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ट्राई करके देख चुका हूं, कोई असर नहीं होने वाला। लो जी
बाबा ने भी बिला वजह बात का इशू बना लिया। अब क्या हो गया अगर वो सारिम के साथ लंच पर चली गई? उन्होंने कितना डांटा है उसको? बेजाद उसे इस वजह से डांट पड़ी है क्योंकि वो बाबा को बताकर नहीं गई। खैर भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उनकी शादी होने वाली है। एग्जैक्टली, होने वाली है। अभी तक समीना खाला को फाइनल जवाब नहीं दिया। अगर बाबा को इतना ही कोई मसला है ना, तो वो साफ साफ क्यों नहीं मना कर देते समीना खाला को? तुम मना करोगे और मामा को कौन समझाएगा? हाँ, अगर ये पता चल जाए कि सारे वहाँ पर क्या करता है, उसकी क्या जॉब है, तो शायद सबकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये बात तो भूल ही जाए कि वो आपको कुछ बताएगा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। मैंने उसे जब भी पूछा हमेशा उसने इस बात को इग्नोर किया। यही बात तो सबको इरिटेट कर रही है। तो इस बात का तो फिर किसी के पास कोई हल नहीं है। अब यही हो सकता है कि मैं सारिम से बात करूं, देखते हैं क्या जवाब देता है। ठीक है, फिर कर लें आप ट्राई। हद करते हैं जाज अंकल, ये कोई बात थी डांटने वाली? मैंने तो मामा से पहले ही कहा था कि बाबा माइंड करेंगे। उनकी तो प्लीज छोड़ दो, हर बात उन्हें बुरी लगती है, हर बात माइंड कर जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है, प्यार भी तो उतना ही करते हैं वो मुझसे। उनको अच्छा नहीं लगा होगा तो उन्होंने कह दिया। पिछले एक घंटे से तुम मुझे उनकी शिकायतें कर रही हो, मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। अच्छा ना, जो भी। लंच कैसा था? लंच ठीक था। बस ठीक था, डिटेल्स दो मुझे। अब लंच की क्या डिटेल्स होंगी, गए लंच किया वापस आ गए, दैट्स इट। सारिम ने कोई बात तो की होगी, तुम इतनी एक्साइटेड थी जाते हुए। हाँ तो काफी बातें हुई, अब हर बात बताने की तो नहीं होती ना। मुझे नहीं बताओगी तुम? नो, फाइन, जा रही हूं मैं। मिर्हा, वो बीबी जी आपके लिए कॉफी भिजवाई बेगम साहिबा ने। ये दो, ये वाली खुद पी लो। क्या बताती मिर्हा को कि आज लंच पर क्या तमाशा हुआ है? मैं कैसे किसी से ये बात शेयर कर सकती हूँ? क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? स्टूडियो जा रहा हूँ। अरे यार, स्टूडियो में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वहां से। तुम्हें कितनी बार समझाया कि बिजनेस में ध्यान दो अपना, स्टूडियो जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखो शाम को जल्दी आना है तुम्हें। हमें जहीर साहब के यहाँ जाना है, उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया है। जहीर साहब क्या, किस सिलसिले में? जितना कहा गया है उतना सुनो, बाकी बाद में बताऊंगा तुम्हें। मतलब इसमें ऐसी सीक्रेसी की क्या बात है, बता दें अभी। मैंने जहीर साहब की बेटी जवेरिया को बेजाद के लिए पसंद कर लिया है। मैं नहीं समझ सकी, आप लड़की पसंद भी कराए और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। तो कौन सा वो घर आ गई है, इसीलिए तो ले जा रहा हूँ, आज देख लेना तुम भी। लेकिन बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैं अभी सेटल नहीं हुआ हूँ। सेटल? यहाँ बड़े बड़े नालायक निकट्ठुओं की शादी हो रही है, तुम तो हजार दर्जे बेहतर हो इनसे। लेकिन बाबा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया बस। देखिए आपने अपने बहनोई की, बेजाद को कह कहकर सुना मुझे रहे थे। क्या हो गया तुम्हें,
हर बात ही तुम्हें अपने ऊपर लगने लगती है। इसलिए कि मैं उतना सीधा नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। आपको पता है कल बहजाद मुझसे हमारे बिजनेस के बारे में पूछ रहा था कि कितने स्टोर्स हैं, कितनी इनकम है। रियली? मुझे लगता है उन्हें शक हो गया। तो क्या कहा है तुमने? ओह माय गॉड, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी जल्दी करानी पड़ेगी। अच्छा तुम परेशान तो नहीं हो ना? मैं करती हूँ। कौन परेशान हो रहा है? कोई परेशानी है यहाँ पे। मामा बाबा से मेरे लिए बात क्यों नहीं करती हैं? वो किसी की नहीं सुनते हैं बेटा, उन्हें सिर्फ फैसला सुनाने की आदत है। मैं नहीं जानता, आपने जवाद भाई के लिए भी तो उन्हें कन्विंस किया था ना। उसी की सजा आज तक भुगत रही हूँ। मैंने जवाद के लिए किसी से कोई बात नहीं की थी, जवाद ने खुद बात की थी। तुम भी कर लो। नहीं कर सकता उनसे बात, इतनी जल्दी तो वो हाइपर हो जाते हैं, मैं बात क्या करूं उनसे? इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो वो पुराने ताने देने शुरू हो जाते हैं। समरा से खुश थोड़ी है। हाँ, आप मेरे लिए क्यों बात करेंगी? आपके तो सिर्फ दो सगे बच्चे हैं ना, अनाया और जवाद भाई। मैं तो सौतेला हूँ। फजूल बातें मत करो बहजाद, अपने अब्बू का पता नहीं है क्या तुम्हें? कितने जिद्दी है वो। सारी जिद तो मेरे लिए, बाकी तो सब इस घर में अपनी पसंद की शादियां और मंगनियां कर रहे हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से। अरे बेटा, मामा ये बहजाद इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बाप का गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है बस। हो सकता है कि इसे कोई और पसंद हो। अल्लाह बेहतर जानता है बेटा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बाप से कुछ कहा है। बस इत्तला दी है कि शादी नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? देखें, हमें बच्चों की पसंद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप एक मरतबा फिर सोच लें। क्या सोच लूं मैं? जिंदगी तो बहजाद ने गुजारनी है ना, अगर इसमें उसकी पसंद शामिल हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे आपके बच्चों की पसंद और नापसंद पर कोई एतबार नहीं है, समझे आप? जवाद एक नमूना उठा के ले आया, दूसरा नमूना आपने इंपोर्ट कर लिया है यूएसए से, अब तीसरे पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। जब बहजाद शादी नहीं करना चाह रहा है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? बहजाद को अकल है, उसे मालूम है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। और फिर क्या मुझे इतना हक हासिल नहीं कि मैं एक बच्चे की शादी अपनी मर्जी से कर सकूं? लेकिन बहजाद की पसंद ज्यादा है। बस अब ना मैं बहजाद की शादी में शरीक हूंगा और ना ही अनाया की शादी में। जब तुम लोगों को मेरा कोई एहसास नहीं, कोई परवाह नहीं, तो मैं क्यों करूं तुम लोगों की परवाह? मामा मैंने आपसे कहा भी था, मुझे बाबा से बात करने दें। बेटा तुम इस मामले से दूर रहो, वो कहकर गए अभी कि वो तुम्हारी शादी भी अटेंड नहीं कर रहे, कर लो जो करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपके जहन में क्या चल रहा है। आ जाएगा, एक दो घंटे गुजरने तो सब समझ में आ जाएगा। आप मुझे बता नहीं रही ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा। इसीलिए तो नहीं बता रही कि तुम कोई गड़बड़ ना कर दो, समझती नहीं? क्या मतलब है, समझा नहीं? बस दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालो, चलो चलो। क्या हो गया? बता ही नहीं रही मुझे कुछ। चलो चलो। बेजाद साहब कहते हैं कि शादी वो तब करेंगे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मेरा ख्याल से तो उसका सारी जिंदगी कमारा रहने का ही इरादा है। करोड़ों की जायदाद है, इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे तो कोई और बात लगती है। कोई और बात? कोई और बात क्या हो सकती है मामा? लड़की का चक्कर होगा कोई ना कोई, इसीलिए इधर उधर की बातें बना रहा है। हाँ लड़की का चक्कर तो हो सकता है। खैर छोड़ें, हमें क्या है, दफा करें। छोड़ें क्या मतलब है? अच्छा खासा लड़का है, तुम निमरा की बात करो ना बेटा। बहजाद और निमरा, कमाल है, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तुमने तो अपने बारे में और जवाद के बारे में भी कभी नहीं सोचा था, सारी जिंदगी उसे भाई भाई कहती रही। आखिरकार मैंने उससे तुम्हारी शादी करवाई।
अब निमरा के लिए तुम बात करो, इतना अच्छा रिश्ता है, भला कोई गैर आकर क्यों ऐश करे। चले फिर मैं मौका देख के बात करती हूँ, बाकी बात आप खुद ही फुप्पो और अंकल से कर लीजिएगा। बेटा मैं लड़की की माँ हूँ, मैं भला खुद से बात कैसे कर सकती हूँ। अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे ही कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ सोचो कुछ इस बारे में। चले देखते हैं क्या होता है, बताती हूँ फिर आपको। जीती रहो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मिरहा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो यार। काश ये बात मुझे एक साल पहले समझ आ जाती। तुम मुझे गलत समझ रही हो यार। और जो तुमने मेरे साथ किया वो गलत नहीं था। एक साल तक तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते रहे हो, टाइम पास कर रहे थे, अब कहते हो मजबूर हो। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों करूंगा। आई लव यू मिरहा, लेकिन बाबा की वजह से। टू हेल विद यू एंड योर बाबा। तमीज से बात करो। तुम्हारा मतलब जो पूरा होगे अब इसी तरह बात करोगे मुझसे। मेरा तुम अपने सेंसेस में नहीं हो इस वक्त, प्लीज यहाँ से जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो आके बात करना मेरे से। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा खुद पर आ रहा है। सब कुछ जानते बूझते मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, ये भी जानती थी कि तुम तो लाइफ में एक अब तक सब्जेक्ट मर्जी से नहीं पढ़ सके, बैठ के यहाँ पे छुप छुप के पेंटिंग्स करते हो, लाइफ पार्टनर चूज करोगे। चाहती क्या हो आखिर, अपनी शादी के लिए अपने घर वालों को छोड़ दूं मैं, तुमसे भाग कर शादी कर लूं। अपनी मनहूस शक्ल लेके आना मेरे सामने मत आना। मेरा मेरा मेरी मेरा, अगर आज तुम यूं इस तरह गई ना यहां से तो दोबारा कभी पलट कर आवाज नहीं दूंगा मैं। सफिया चाहती तुम्हें ये थी कि तुम साथ चलो, लेकिन अब अगर तुम नहीं जा रही हो तो इनाया को तो मैं नहीं लेके जाऊंगी। लास्ट टाइम भी एजाज कितना अपसेट हुआ था, अब तूफान खड़ा कर दिया था। आपा मैं ज़रूर चलती आपके साथ, लेकिन घर की सारी सिचुएशन आपके सामने है, बेजाद अपसेट है, एजाज नाराज हैं, वो जहीर साहब की तरफ भी रात को जाना है, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम अपसेट ना हो, मैं और सारे में अपनी पसंद से ज्वेलरी ले आएंगे, और अगर इनाया को पसंद ना आई तो बाद में चेंज कर लेंगे, हमारा खानदानी ज्वेलर है, आराम से चेंज कर देगा। कैसी बातें कर रही हैं, माशाल्लाह से आपकी पसंद खुद इतनी अच्छी है। हाँ चलें, वो बैंक भी जाना। हाँ मैं तो भूल ही गई। ओके खुदा हाफिज़। अरे अनाया तुम समीना पप्पो के साथ नहीं गई? बस मैं वो भाई तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने गई है ना, वो तुम्हें जाना चाहिए था अपनी पसंद से चीजें लेती। इजाज अंकल को तो सिर्फ तुम्हारे सारिम के साथ अकेले जाने पे एतराज था, लेकिन समीना पप्पो तो थी, उनके साथ जा सकती थी तुम। रेशमा ये वैसे जब तुम चली जाओगी तो ये सब कौन करेगा? आप है ना सबका ख्याल रखने के लिए। मेरा टेम्परमेंट तो नहीं है कि मैं किसी का भी ख्याल रखूं। तो फिर जब बेहजाद की शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी ये सब कुछ कर लेगी। अब बेहजाद से याद आया, कुछ पता चला उसके बारे में, कहीं इंटरेस्टेड है वो या नहीं? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मामा बाबा हैंडल कर लेंगे। वैसे अनाया जब तुम चली जाओगी तो मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी ना। मैं सोच रही हूँ कि अगर बेजाद और निमरा की शादी करवा दी जाए तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है कि हम दोनों बहनें जब एक ही घर में होंगी तो एडजस्ट करने में काफ़ी आसानी होगी, नहीं? रेशमा ये बाकी का तुम देख लेना प्लीज़। अभी तक यहाँ पे मैनुअल गाड़ियां चल रही हैं। और आपको किसने कहा था कि इतना फोर्स करें? अगर खाला साथ आ जाती तो। अपनी तरह स्टुपिड समझा हुआ है कि मुझे
तुझे पता है कि एजाज की और सफिया की लड़ाई चल रही है आजकल, उसने आना ही नहीं था। फिर भी अगर वो साथ आ जाती तो क्या करते हम? पैसे तो है नहीं हमारे पास, क्या करते? शॉप पे जाते, ज्वेलरी पसंद करते, ज्वेलरी की पिक्स लेते, सफिया को कहते कि इनाया को पिक्स दिखाएंगे, अगर इनाया को ज्वेलरी पसंद आ गई तो कल आके खरीद लेंगे। दैट्स इट। वाओ, यहां के काफी तेज हो गए हैं आप। अच्छा अच्छा, ज्यादा एम्बैरस करने की जरूरत नहीं है हर बात पे। तुम किसी काम के होते ना तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ रहा होता। सचमुच तुम्हारी शादी की तैयारियां करी होती मैं। अच्छा बस करते हैं, आपको तो मौका चाहिए लेक्चर देने के लिए। अब ये बताएं कि जाना कहाँ है? पैसे तो है नहीं, शॉपिंग तो कर नहीं सकते, क्या करें आप? माँ को खाना खिलाने के पैसे भी हैं कि नहीं है? नहीं। चलो आज का खाना मेरी तरफ से, तुम क्या याद करोगे? आपके पास पैसे कहाँ से? क्या हो गया तुम्हें बेजाद? सुबह से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुमने अपना सेल फोन भी बंद करके रखा हुआ था, ऊपर से तुम्हारे बाबा भी नाराज, मुंह लपेटे लेटे हुए, किसी से बात ही नहीं कर रहे। क्या हो गया है इन लोगों को? देखो बेजाद, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि बाबा की बात मान लो यार, घर में वैसे इतनी टेंशन चल रही है, और अगर तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करनी भी है तो एक बात मेक श्योर कर लो कि बाबा का रवैया तुम्हारी बीवी के साथ भी वैसे होगा जैसे समरा के साथ। प्लीज भाई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर बाबा का रवैया आपकी बेगम के साथ ठीक नहीं है ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो भी किसी से कम नहीं है। देखो बेसाद, मैं तुम्हें समझाने के लिए बात कह रहा हूं, समरा को बीच में लेके मत आओ, अपनी बात करो। तो कह तो रहा हूं, चढ़ा दे सूली पर, और क्या करूं? क्या हो गया है बेजाद? ये क्या तरीका है बेटा बात करने का? कूल्टा चलो शाबाश, अब सबसे पहले अपने अब्बा के पास जाओ और उनकी खैरियत पता करो। चलो शाबाश। मामा प्लीज, ये सब मुझसे नहीं होगा, उनको बोले मैं राजी हो गया हूँ कि ड्रामेबाजी खत्म करें। रेशमा जी। बाजी देखना किसका फोन है। जी ठीक है। और तुमने सुबह से कुछ खाया पिया भी है या ऐसे भूखे प्यासे पड़े हुए हो? जी क्या कह रहे हैं आप? किसका फोन है रेशमा? वो जी सारिम भाई का फोन है, वो बता रहे हैं उन्हें डाकुओं ने लूट लिया। क्या? अरे क्या कह रही हो तुम? हेलो हेलो हेलो, फोन पे तो कोई भी नहीं है, क्या कह रहे थे? जी वो सारिम भाई बता रहे थे कि डाकू सारा जेवर छीन के भाग गए और वो समीना बाजी को अस्पताल लेके जा रहे हैं। या अल्लाह रहम। बेटा फोन मिलाओ, सारिम को फोन करो। किस अस्पताल लेके गए, कुछ बताया? जी वो इतनी सी बात कह के उन्होंने फोन ही बंद कर दिया। क्या बैठे बैठे मुसीबत आ गई। मामा तो सेल फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। या अल्लाह आप क्या करें, कहाँ ढूंढे उन्हें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं वो दोनों कहाँ से आए, मेरे सर पे गन रखी और मामा से ज्वेलरी का बैग लेकर भाग गए। या अल्लाह मैं क्या करूँ सफिया, मेरे बच्चे की खुशियों को किसकी नजर लग गई, कमबख्त सारा कुछ लूट के ले गए, दिन दहाड़े जरा तरस नहीं आया जालिमों को। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ पुलिस में रिपोर्ट। नहीं नहीं, पुलिस में रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट करने से कुछ जेवर वापस थोड़ी आ जाएगा, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ के हालात कैसे हैं, थारे कचहरियों के चक्करों में नहीं पड़ना भाई मुझे। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरे बच्चे की जान सलामत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। हाय अल्लाह मैं तुम्हें क्या बताऊँ सफिया, जब उन्होंने सारिम के सर पे पिस्तौल रखा ना, मेरी तो जान ही निकल गई ईमान से। मैं किधर जाऊँ? अब हौसला, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बेहतर होगा, 20 तोले का जेवर था, 20 तोले का, 20 सेकंड नहीं लगाए जालिमों ने सारा का सारा लूट के चले गए। 20 तोला सोना? लेकिन आपको जरूरत क्या थी इतनी ज्वेलरी लेने की? कमाल करते हो एजाज, ये क्या कहा तुमने? अरे मेरे बच्चे ने दिन रात मेहनत की है अमेरिका में, मैंने उसकी कमाई हुई एक एक पैनी संभाल के रखी है, इसी दिन के लिए कि मेरे बच्चे की शादी होगी, मैं अपने सारे अरमान निकालूंगी, मैं धूमधाम से अपने बच्चे की शादी करूंगी। और हमें क्या अंदाजा था कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ ऐसी सिचुएशन है? पता नहीं आप लोग कैसे रहते हैं, मैं तो तंग आ गया हूँ यहाँ से मामा। बस बेटा क्या करें, ये पाकिस्तान के हालात तो बस ऐसे ही हैं।
इजाज़ आप जरा जाके डॉक्टर से पता तो करें कि उसने आपा के लिए क्या प्रिस्क्राइब किया है, इनकी हालत तो संभल ही नहीं रही है। मैं पता करता हूँ, डोंट वरी। सबिया बहुत दिल घबरा रहा है, ईमान से मैं मर जाऊंगी। जी अब्दुल यहाँ पे रहते हैं, शुक्रिया। हाय अल्लाह, पापा घर से ताज़ा ताज़ा खाना बनकर आया, कुछ निकालूं? अरे मैं खाना कैसे खाऊंगी सफिया, मेरे तो हलक से निवाला नहीं उतर रहा है। जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसके बाद खाना खाया जा सकता है? नहीं। बस आप, और तबीयत खराब हो जाएगी आपकी तो, ऊपर से डॉक्टर आपको रात को यहाँ पे रोक भी रहा है, मेरा तो बड़ा दिल घबरा रहा है। मेरा तो अपना दिल फट रहा है, बस नहीं चल रहा मेरा कि मैं अभी सारे मोरे नाया को लेके ना अमेरिका चली जाऊं वापस। इसीलिए कहती थी आपा, अब आप खुद बताएं भला ये मुल्क कोई रहने के काबिल है? अब समझ में आया ना कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, कहा भी था मैंने तुमसे कि मेरे आते ही सारे मोरे नाया का निकाह कर दो, अब तक इसके डॉक्यूमेंट्स बन चुके होते, सारे मोरिनाया को अब तक मैं लेके जा चुकी होती अमेरिका, ये सब कुछ तो ना देखना पड़ता कम से कम मुझे। बस बस सारे आप टेंशन ना लें, खाला जल्दी ठीक हो जाएंगी, उन्होंने शायद इस इंसिडेंट का थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो कैसे पूरा होगा? आज के दौर में दोबारा ज्वेलरी खरीदना कोई आसान काम तो नहीं है। सारा बजट अपसेट हो गया है। लेकिन आपसे किसने कहा है दोबारा खरीदने को? क्या मतलब? हम शादी में खाली हाथ तो नहीं आ सकते ना? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इनका इतना बड़ा जब नुकसान हो गया तो पुलिस में रिपोर्ट कराने से क्यों कतरा रहे हैं ये लोग? फिर भी क्या फायदा होना है बाबा, पकड़े तो वो जाएंगे नहीं, और वैसे भी जो होना था वो तो हो गया। हमारे इसी रवैये की वजह से चोर डाकू धंधनाते फिर रहे हैं हमारे मुल्क। हम रिपोर्ट तो कराते नहीं, बस पुलिस और सिस्टम को बुरा कहने में एक लम्हा जाया नहीं करते। बाबा आपका पाला नहीं पड़ा इंसान, अगर पड़ता ना तो ये आपके अच्छे ख्याल जरूर बदल जाते। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ओके जा। हाजिर यार, आज तुम्हारी तरफ आना मुश्किल है, वो सफिया की बहन है ना जो अमेरिका से आई हुई है, उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, बस यार इसी परेशानी में तुम्हें बताना भूल गया। हाया मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी और पॉजिटिव सोच रखती हो, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे लिए ज्वेलरी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अहम हैं। थैंक यू हाया, तुमने ये कहकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, मैं इसे कभी भूलूंगा नहीं। कॉफी? आपा फिक्र ना करें, इनाय के पास बहुत ज्वेलरी है, काफी तो मैंने बनवा के रखी हुई है, कुछ और ऑर्डर कर दी है तो बहुत है उसके पास। लेकिन फिर भी सफो, हमारी तरफ से तो कुछ ना हुआ ना, खानदान का मामला है, तुम खुद सोचो लोग कितनी बातें बनाएंगे कि बहन अमेरिका से आई और बहू के लिए कुछ ना लेके आई। ऐसा करते हैं जो उसके पास ज्वेलरी है उसमें से मैं आधी उठा के आपको दे दूंगी, आप अपनी तरफ से लगा के दे दीजिएगा, लोगों को दिखाने के लिए ना, बाद में बनवाती रहिएगा, दे दीजिएगा उसे। नहीं 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 सफिया, ऐसे कैसे हो सकता है, भला तुमसे लेके मैं तुम्हारी ही बेटी को जेवर दे दूँ, अच्छी बात थोड़ी है ये। वैसे भी नाया के कितने अरमान होंगे, क्या सोचेगी वो कि इतनी दूर से खाला आई है अमेरिका से, उसके लिए कुछ भी नहीं लेके आई बरी में, ऐसा नहीं हो सकता। तकल्लुफ किए जाए बस, वो भी अपनी बहन से। अबू ने खाना खाया? नहीं, मैंने पूछा था उन्होंने मना कर दिया और कमरे में चले गए। समीना पप्पू कैसी हैं? अल्लाह ने बचा लिया, रॉबर्ट से मारा वगैरह नहीं, मामूली सी चोटें आई हैं, लेकिन वो इस हादसे के बाद बहुत डर गई हैं। मामूली सी चोटें? आई डोंट बिलीव इट,
पता नहीं क्यों ये सब मुझे ड्रामा लग रहा है। क्या तुम क्या कहना चाह रही हो कि समीना खाला ने रॉबरी का सारा ड्रामा किया? नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ 2-3 तोला सोना बनाया हो और 20 तोले का बिलावज हंगामा कर रही है। हद होती है बदगुमानी की भी। कुछ तो खुदा का खौफ करो सुमरा। ये सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ये तुम भी जानते हो कि समीना पुप्पो के कंजूसी के किस्से पूरे खानदान में मशहूर है। तुम 20 तोला सोना कैसे बना सकती हैं वो खुद सोचो। बहुत रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए ना। तुम प्लीज ज्यादा सोचो मत। खुद ही रख देना। बेटा समीना बाजी की तबीयत कैसी है? ठीक है, जवाद भाई बता रहे थे कि वो सुबह तक आ जाएंगे। लोग कोई काम है तो बेटा बता दो, मैं सोने जा रही थी। नहीं आप जाएं सुबह। क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, यू डिजर्व एन ऑस्कर फॉर दिस। शर्म करो शर्म, इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है मुझे पता है। प्यार करती है सफिया, कितना रो रही थी वो सब कुछ सुन के। लो वैसे नहीं आपने, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, सो इट्स ऑल फेयर। आपस की बात है, हरकत तो मीन थी ना हमारी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं पता ना चल जाए किसी को। हाँ पर मैं तो उन्हें बता नहीं सकते। हाँ अगर उन्हें कोई सच्चा ख्वाब आ गया तो कुछ कह नहीं सकते। एजाज को तो मैंने जानबूझ के घर भिजवा दिया था। अब भला बताओ आपा के सामने ये कोई करने वाली बात है? 20 तोले सोना क्यों और 3 तोले सोना क्यों? हद करते हैं। सारिम भी काफ़ी परेशान थे। मामा मैंने उनसे कह दिया है कि ज्वेलरी दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा किया। जाहिर है उस बेचारे ने पता नहीं कितनी मेहनत से किस तरह ये पैसा जमा किया होगा। एक अकेला कमाने वाला है और अब न जाने ये नुकसान कैसे पूरा करेगा वो। वैसे हम में से किसी को आज खाला के पास रुकना चाहिए था। हाँ अगर बेटा उनकी तबीयत खुदा ना खास्ता ज़्यादा ख़राब होती तो मैं उनको ऐसे ना छोड़ती, मैं खुद वहाँ पर रुकती उनके साथ। तुम जानती हो उन्होंने स्ट्रेस लिया हुआ है, टेंशन ली हुई है। बस एक रात के लिए रोका है डॉक्टर ने, अच्छा रेस्ट कर लेंगे। मामा ये घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई हैं? क्या लख है? फिजाज भाई फिक्र मत करें, मेरी DSP साहब से बात हुई थी, इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाएंगे वो लोग। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ।
ये है जियो।